आई फील लाइक आप दोनों एक दूसरे को शो नहीं करते कि आप एक दूसरे से कितना लव करते हैं। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। व्यूअर, आई फील आप और आपका पर्सन एक दूसरे की एनर्जीज को मिरर कर रहे हैं, इसी कारण से आपकी लाइफ आपको आज की डेट में स्लो चलती हुई फील हो रही होगी। आई फील आप में से कईयों के लिए रिलेशनशिप टॉक्सिक और हार्मफुल रहा है, मेंटली और फिजिकली, बट नाउ आई सी ये कनेक्शन एक डिफरेंट एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। आपको एक्चुअली में इसके लिए रेडी होना होगा, बिकॉज आई सी यहाँ काफी मिसकम्युनिकेशन है एंड मे बी पहले वाला स्पार्क कम हो गया। ये टोटली नॉर्मल है जब बहुत सारी एनर्जीज इस वे में आपकी तरफ आ रही होती हैं एक साथ, जहां सेपरेशन एंड ब्रेक मौजूद हो तो वो एक्साइटमेंट जनरली पहले से कम ही रहती है। आई फील लाइक ये पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ वापस आ रहा है। इन्हें बहुत पावरफुल फील होता है आपकी प्रेजेंस से, बिकॉज आई सी देम एज डिवाइन मैस्कुलिन एंड मुझे लगता है यहाँ यूनिवर्स आप दोनों की एनर्जीज को एक बार दोबारा टकराएगा। आई कैन सी आपका पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में सोच रहा है आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। आई गेट अ वाइब दैट मे बी कुछ है पास्ट से आप दोनों की लाइफ में जो पास्ट में ही छोड़ना बेटर है। आई फील यहाँ चीजें ऐसी हुई हैं जिनसे आप दोनों ही मूव ऑन करना चाहते हैं, बट आपका पार्टनर यहाँ अपोलॉजी फील नहीं कर रहा बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे ऐसा कोई गलती नहीं हुई है, जिसकी वजह से यूनिवर्स उन्हें वापस पीछे ढकेल रहा है उनकी गलती सुधारने के लिए। बिकॉज इधर आप दोनों का डिजायर है बैलेंस फाइंड करने का इस कनेक्शन में, आप दोनों ही म्यूचुअल डिजायर रखते हैं मूव ऑन होने का। उन्होंने आपको हर्ट किया था बट वो इस कनेक्शन में सेपरेट होने की सैडनेस नहीं फील करना चाहते, वो यहाँ सिर्फ इस कनेक्शन के पेन से मूव ऑन होके सब ठीक करने का डिजायर रखते हैं। आई फील ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप एक दूसरे में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और खुद को कभी टाइम नहीं दे पाए, एंड मे बी आप उनको हैप्पी फील कराने में इतने बिजी हो गए कि अपनी खुद की हैप्पीनेस नहीं देख सके। बट आई सी कि यहाँ जो भी सिचुएशन है, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपका पर्सन उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है जो कि इस कनेक्शन को यूनियन में आने से रोक रही हैं। आपका पर्सन मे बी खुद से सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट कर रहा है कि वो चेंज होंगे, मे बी उनके बिहेवियर एंड नेचर में, और मे बी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने एक्शंस की। आई फील आप दोनों इस कनेक्शन की प्रॉब्लम्स को अपने अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं एंड फिगर आउट करना चाहते हैं ऐसे रास्ते जो कि आपको एक दूसरे तक पहुँचाएं। आई जेन्युइनली फील आप दोनों को खुद पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है आप दोनों गुस्से में कुछ चीजें बोल देते हैं जो कि आप एक्चुअली मीन नहीं करते, बट वो एक बार मुंह से निकले हुए शब्द इस कनेक्शन में वो तीर हैं जो आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। लाइक एक बार दिल को चुभ गए तो बस चुभ गए। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज लिस्ट रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। आई सेंस कि आपके पर्सन को आपके साथ बहुत मैजिकल फील होता है एंड वो आपकी एग्जिस्टेंस को वैल्यू करते हैं। आई फील आपके पर्सन आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं आप तक पहुंचने के लिए, चाहे उनको खुद में चेंजेस क्यों ना लाने पड़े। मे बी ये प्रोसेस बहुत स्लो हो सकता है, उन्हें टाइम लग सकता है, बट वो स्टेबल एनर्जीज एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे जहां आप दोनों फिर से एक दूसरे के लिए एक्साइटेड एंड वही लव फील कर पाए।
आपके पर्सन ने अभी मन ही मन खुद से कमिटमेंट कर रखा है कि वो इस कनेक्शन को ट्रैक पे लाएंगे। चाहे आप दोनों के बीच कुछ भी हो, आपके पर्सन को भरोसा है कि आप उनकी लाइफ में स्पेशल हैं, आप उनके लिए ही बने हैं। उन्हें लगता है ये कनेक्शन डिवाइन है एंड उन्हें लगता है कि आप दोनों फॉरएवर साथ रहने के लिए बने हैं। ऐसे ही वो इस कनेक्शन को लाइन पे लाकर रहेंगे एंड इसे बचा के रहेंगे। वो चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो कभी आपके साथ बैड टर्म्स में नहीं रह सकते। उनको डर लगता है कि अगर ये सब चेंज नहीं हुआ एंड सही नहीं हुआ तो वो आपको खो देंगे। आई फील लाइक आप दोनों एक दूसरे को शो नहीं करते कि आप एक दूसरे से कितना लव करते हैं एंड उनकी कितनी केयर करते हैं। वो ये सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं। उनको मे बी डिफिकल्टी होती है एंड इन सब के बारे में वो ओवर थिंक भी करते हैं, बट एज अ पर्सन वो आपको वैल्यू करते हैं एंड उनका ये डिज़ायर है कि वो सब ओल्ड एनर्जीज को रिमूव करें एंड आपको शो करें कि वो आपके लिए केयर रखते हैं। आई फील उन्हें लगता है कि उन्होंने एक स्पिरिचुअल लेसन सीखा है। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि ये कैसे एंड हुआ हो, उनके नज़रिए में ये कनेक्शन बहुत डिवाइन एंड बेनिफिशियल रहा है जो उनकी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी लाया था। आई फील ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे एंड आप तक आएंगे। आप पेशेंट रहे हैं, आई सेंस कि आपके पर्सन प्रिपेयर हो रहे हैं ओपन अप होने के लिए एंड शायद मे बी आपने उनकी हेल्प की है चेंज होने में। उनको दिखाया है कि उन्हें खुद में क्या चेंज करना होगा। कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है कि वो आएंगे, उन्हें आपसे प्यार है एंड वो आपकी केयर करते हैं। मे बी वो फेल हो जाते हैं ये शो करने में, बट दे विल चेंज एंड वो इम्प्रूव करेंगे खुद को इस एस्पेक्ट में। आई फील आपको भी यहाँ खुद को टाइम देना चाहिए एंड अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो आप भी वो कीजिए, बिकॉज आपके पार्टनर भी खुद में वर्क कर रहे हैं। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। फाइंड बैलेंस, ये फेरी आपको गाइड करना चाहती है कि आपको अपने काम, रिलेशनशिप्स, खुद के लिए प्ले टाइम, इन सब के बीच एक बैलेंस फाइंड करने की जरूरत है एंड उस पर आपको काम करना चाहिए। सभी चीजों के बीच बैलेंस ढूंढने से आप अपनी लाइफ में ज्यादा एनर्जी, हार्मनी और मैनिफेस्टेशंस को तेजी से यहाँ अट्रैक्ट करोगे। इस फेरी के जरिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप खुद पर कम ध्यान दे रहे हो। आई फील बैलेंस के साथ साथ आपको सेल्फ लव पर भी फोकस करना चाहिए। पास्ट में वो आपके बारे में क्या सोचते थे और अब प्रेजेंट में क्या, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।